दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं, मिस्टर इंडिया बच्चों की फिल्म थी और इसमें बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी थे इसमें जो आगे चलकर स्टार सुपरस्टार बने। उनमें से एक थे ये, पहचाना आपने इन्हें? ये और कोई नहीं, आफताब शिवदासानी है। दूसरे ये, इनको पहचाना आपने? ये है कोरियोग्राफर और डायरेक्टर अहमद खान, जिन्हें आप टीवी शोज में भी रेगुलर देखते रहते हैं जजेस के रोल में। इसके अलावा अहमद खान ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में एज अ कोरियोग्राफर काम किया है और उन्होंने कई फिल्में डायरेक्ट भी की हैं, जैसे लकीर और अभी हाल ही में रिलीज़ हुई बागी 2 और बागी 3। और ये शैतान सा क्यूट सा बच्चा, ये कौन है? ये है करण नाथ। आप लोगों को याद होगी एक फिल्म ये दिल आशिकाना, जिसके गाने बहुत मशहूर हुए थे और फिल्म भी काफ़ी चली थी। ये वही करण नाथ है, उस फिल्म के हीरो। फिल्मों में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी इन्हें ये दिल आशिकाना और LOC के लिए याद किया जाता है। लेकिन इन सभी चाइल्ड आर्टिस्ट में सबसे ज़्यादा अगर किसी को दर्शकों ने पसंद किया, जो सबकी चहेती बन गई, वो थी टीना का किरदार निभाने वाली हुजान। बहुत क्यूट सी बच्ची थी और इसका अभिनय दिल को छू गया सभी के, सभी को इससे प्यार हो गया था। लेकिन हुजान इस फिल्म के बाद फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग हो गई और आजकल वो कुछ ऐसी दिखती हैं। एक और रोचक किस्सा है इस फिल्म की शूटिंग के दौरान का। हुआ यूँ कि उन दिनों मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी का अफेयर चल रहा था, सभी जानते थे इस बात को। मिथुन चक्रवर्ती को कहीं ना कहीं कुछ डाउट हुआ था कि श्रीदेवी का बोनी कपूर के साथ कुछ लिंकअप हो रहा है, तो वो मिस्टर इंडिया के सेट पर पहुँचे और उनको प्रूफ करने के लिए श्रीदेवी ने बोनी कपूर को राखी तक बांध दी थी। लेकिन बाद में श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती का ब्रेकअप हो गया और वो दोनों अलग हो गए और उसके बाद श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी कर ली। दोस्तों, मिस्टर इंडिया रिलीज़ हुई थी 1987 में ईद के दौरान और इसके साथ दो और बड़ी फिल्में रिलीज़ हुई थी, जिनमें एक थी राजकुमार राजबब्बर की मुकद्दर का फैसला, जिसे प्रकाश मेहरा ने निर्देशित किया था, और दूसरी थी संजीव कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा स्टारर राही। लेकिन राही एक काफ़ी टाइम से रुकी हुई फिल्म थी। दोस्तों, मिस्टर इंडिया साल 1987 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। जो सबसे ज़्यादा कमाई वाली फिल्म थी वो थी धर्मेंद्र स्टारर हुकूमत, सेकंड नंबर पे मिस्टर इंडिया, उसके अलावा इंसानियत के दुश्मन, लोहा, आग ही आग जैसी बहुत सारी फिल्में थी। तो दोस्तों, ये थे कुछ रोचक किस्से मिस्टर इंडिया के बारे में। दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में किसी और फिल्म के और रोचक किस्सों के साथ। टेक केयर, बाय।